Hello student, today we continue the chapter Human Eyes and Colorful World. वह दुनिया खूबसूरत है अगर आपके पास आँखें हो उसको देखने के लिए. आप देखिए आँखों में हमने बताया कि some problem created by our daily today's lifestyle. हमारे आजकल के lifestyle भी क्या है, हमारे आँखों के कुछ defect. डिफेक्ट का मतलब होता है जब हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है. तो इस तरह का जो विजन्स में जो मतलब हेजी जो दिखना जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ द आईज. आई में डिफेक्ट होना एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग होता है डिफेक्ट का, क्योंकि हमें हर चीज हमें क्लियर दिखना चाहिए. आप गौर किए होंगे किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ टीचर लिख रहा है तो उसको नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो ये होता है आपके जो बच्चे जो उन लोगों को स्टार्टिंग प्रॉब्लम में होता है. जैसे उम्र बढ़ती है तो नजदीक का दिखना हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है. उस पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द आईज, आई का डिफेक्ट. तो देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मायोपिया, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया एंड देन हाइपरबायोपिया. इन देयर आर थ्री टाइप ऑफ द डिफेक्ट इन आवर आईज. मायोपिया इन विच हमारे ये जो आई जो इसमें जो पर्सन होता है उसको दूर की चीज स्पष्ट नहीं दिखता है. ठीक है, और नजदीक का क्लियर दिखता है. जैसे कि जो हम लोग का एज जो अभी आपका एज का जो बच्चे हैं उस मतलब 25 या 30 के अंदर वाले लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है. उसमें क्या होता है दूर का जो विजन है वो क्लियर नहीं दिखता आपको, ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिखता होगा. तो कभी कभी किसी पोस्टर है वो नहीं दिखता है, या टीवी पर जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो क्लियर नहीं. जब बच्चा बहुत नजदीक से देख रहा है टीवी को तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को देखने में दिक्कत आ रही है. तो इसका जो रीजंस क्या होता है, पहला बात इसका कि आपका जो ये जो आईबॉल्स है उसका साइज बड़ा होना फर्स्ट इसका रीजंस होता है. एनी एक्सेस ऑफ दैट मीन्स कि इसका फर्स्ट इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का बड़ा होना. दूसरा फोकल लेंथ का जो हमारा जो है उसका कम होना. दैट इज द टू रीजंस, मेन रीजंस ऑफ फॉर बिहाइंड द मायोपिया. तो ये इसमें जो होता है आईबॉल का बड़ा होने के चलते क्या होता है कि वो जो फिगर है वो रेटिना बनना पड़ गया, रेटिना के बाद बनता है. तो इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है कॉनकेव लेंस. जो मैं भी लेंस लगाओ भी कॉनकेव है, हमारी भी प्रॉब्लम है मायोपिया का. ठीक है, तो ये हो गया मायोपिया के बारे में कि जिसमें दूर का चीजें क्लियर नहीं दिखती है. उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग नियर साइटनेस भी कहते हैं. तो इसमें नियर साइटनेस में क्या होता है कि इसमें जो दैट पर्सन कैन नॉट बी सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो ये होता है आपका 40 से ऊपर वाले लोगों को ज्यादातर होता है. वो नजदीक की चीजों को नहीं देखते, आप बुजुर्ग लोगों को देखिए इतना दूर गए से पढ़ते हैं. इसका रिजल्ट्स है कि दे आर द सम फाउंड फेस द प्रॉब्लम फॉर द क्लियर विजंस ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हमको लगाना पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जो होता है दे आर द करेक्शन फॉर द हाइपरमेट्रोपिया बाय कॉन्वेक्स लेंस. उसके बाद आता है प्री बायोपिया. ये इसमें क्या होता है देयर टू बहुत प्रॉब्लम मायोपिया एंड हाइपर बहुत प्रॉब्लम कम इन द आईज. देयर प्रॉब्लम कम टू द अप टू द 16 ईयर एज अ पर्सन. जो 60 से ऊपर उन लोग ये दिक्कत होता है ड्यू टू रीजंस ऑफ इसका द मेन रीजंस ऑफ दिस द बायोपिया दैट मींस द वीकनेस ऑफ आवर आई मसल्स, आई सिलियरी मसल्स जो को वीक होने के चलते ऐसा प्रॉब्लम होता है. तो देखिए उन लोगों को बाइफोकल लेंथ की उसको लगाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है ऊपर का जो आपका होगा कॉनकेव ये कॉनवेक्स. ठीक है, इस तरह देखिएगा किसी किसी आंख चश्मे में ऐसे नीचे में आपको पावर दिखता होगा. दे वो 60 साल से ऊपर जो आपके घर में बुजुर्ग लोग होंगे उनके चश्मे में देखिएगा. तो ये जो उसका रिजल्ट होता है प्री बायोपिया का कारण होता है. तो बच्चों मैंने आज तीन डिफेक्ट के बारे में बताया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्री बायोपिया. और इसको भी ठीक करने के लिए बायफोकल लेंस का लगाना पड़ता है. यानी कहने मतलब ये डिफेक्ट के बारे में हमने बात किया, आई के बारे में भी बता दिया था डिफेक्ट. हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ सॉरी डिस्पर्शन ऑफ द लाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।